लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर ही उठेंगे। हौसला न हार कर सामना इस जहान का, हौसला न हार कर सामना इस जहान का। देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का। ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। ये शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम लोग, जीत जाएंगे हम लोग, तुम लोग अगर संग हो। आप लोगों के लिए 2024 में तांडव करने के लिए कंप्लीट फिजिक्स का, ठीक है ना, पूरा बैच अनाउंस तो कर ही दिए हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको हम क्या क्या देंगे सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ध्यान समझिएगा, कंप्लीट फिजिक्स का पूरा बैच तपस्या जो कि आप लोग देख रहे हैं, इतना कंटेंट, इतना आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे कि कहिएगा कि सर फिजिक्स सही में हलुआ था, बस मेहनत का कमी था। तो आप लोग के लिए बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, सारा चीज़ आप लोग बता देंगे कि जो यह बैच है आपको इसमें क्या क्या हम देंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि रिजल्ट कोहराम मचाना चाहिए, ठीक है ना। मेहनत हम लोग इतनी खामोशी से करेंगे कि हम लोग नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट बोलेगा कि हाँ हमने कितना मेहनत आप लोगों के लिए हम किए हैं, चाहे आप कितना मेहनत से पढ़े हैं, तो वह रिजल्ट हमारा बोलेगा। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बस अभी यही कहेंगे कि पड़ोसियों को कह देना आप लोग कि कान खोल कर सुन ले, अभी मेहनत का दौर है, अभी संघर्ष का दौर चल रहा है। एक दिन तेरे चेहरे पर खामोशी छा जाएगी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। तो आप लोग के लिए तपस्या बैच में कंप्लीट फिजिक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, क्या क्या मिलेगा ध्यान समझिएगा, ज़्यादा टाइम आप लोगों का लेंगे नहीं। देखिए इसमें आप लोगों को हम एक एक कंटेंट, जो आप लोग को उस कंटेंट के लिए तरसते हैं, आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वह सारे कंटेंट आपको हम उपलब्ध करा देंगे, चिंता मत करिए। फुल कंसेप्ट, फुल कंसेप्ट कहने का मतलब है बाबू लोग एकदम जहर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, जहर होगा। और यह जहर ऐसा होगा कि क्वेश्चन वहीं पर दम तोड़ देगा, याद रखिएगा। बहुत सारे देखिए ऐसे टीचर होते हैं फिजिक्स को पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड काहे पढ़ाते हैं, ऐसे लगता है ना कि वो लोग मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, कि वहाँ पर ऐसे ऐसे होता जो आज तक हम लोग कभी देखे नहीं किए हैं, वैसे अनुभव होता है अंदर से। फिजिक्स देखिए मतलब होता है कि आप के आसपास जो भी है आपसे रिलेट यदि हो गया तो आपको याद हो गया, ठीक है ना। फिजिक्स का मतलब होता है कि आप उसके जीवन से, ठीक है ना, अपने लाइफ से उसको रिलेट करिए कि हाँ मेरे लाइफ में जो हम पढ़ रहे हैं इसका कैसे कैसे उपयोग है, चाहे कैसे रिलेटेड है, क्या हम लोग इसके लाइफ में कैसे उपयोग कर सकते हैं, चाहे क्या है आखिर रियल, उसका मीनिंग समझिए, ठीक है ना। आप लोग किताबी भाषा रटने लगते हैं, ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। किताबी भाषा रटिएगा तो दिमाग भी कमज़ोर होगा, याद नहीं होगा, तो लॉजिक समझिए, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या होता है, ज़्यादा लॉजिक होता है। फुल कॉन्सेप्ट देंगे ओनली जहर, उसके बाद क्या करेंगे कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व, एनसीईआरटी में जो आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया है जिससे आप लोग डरते हैं, थर थर कांपते हैं कि एनसीईआरटी वो फिजिक्स का हमसे ना हो पाएगा, आप ही लोग से होगा, बस मेहनत करना है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी से डरना नहीं है क्योंकि वह आपका सिलेबस है, आप लोग अपने सिलेबस से भागिएगा तो फिर कैसे होगा, एनसीईआरटी आपका सिलेबस है। तो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वह आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। पूरा मिल के संघर्ष करना है और रिजल्ट कोहराम मचाना चाहिए, याद रखिएगा एक बात। उसके बाद आपका एवरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, तो आपका जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे उस चैप्टर का एक नंबर या कहिए चाहे मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन कहिए
कहिए चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहिए, वह आप लोगों को एक वीडियो फॉर्मेट पे भी मिल जाएगा और वह आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा वीडियो देख लिए तो उसके बाद जब रिवीजन का मौका आएगा तो आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए एकरा में दोनों फॉर्मेट रहेगा, वीडियो भी रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और पीडीएफ रहेगा, दोनों आप लोग प्रोवाइड हम कर देंगे एंसर सहित कि आप लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद एवरी चैप्टर का सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपको फुल कंसेप्ट वाला क्लास में पूरा बढ़िया से आपको समझा देंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, बस उसको समझिए कि हाँ वह चीज़ होता क्या है आखिर। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, मान लीजिए 2009 से लेकर 2023 के एग्जाम में इतना तक में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है ना, पूरा समझा के पूरा उसका खात्मा कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक का सलूशन आप लोगों का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना, आप लोग चिंता मत करिए, पूरा का पूरा सलूशन हम करा देंगे। उसके बाद मॉडल पेपर, ठीक है ना, जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जानबे करते हैं कि हर एक साल होता है रिलीज, तो मॉडल पेपर का सलूशन भी आप लोगों को हम करा देंगे। बस आप लोगों को मेहनत करना है, ठीक है ना, आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि सर मॉडल पेपर भी करवा देते तो बढ़िया होता, क्वेश्चन बैंक भी करवा देते तो बढ़िया होता, आप लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा, बस आप लोग मेहनत करिए, सारा कंटेंट सारा चीज हम आप लोगों को दे देंगे, कहना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ऑल फॉर्मूला एवरी चैप्टर, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे मेरे भाई बहन का फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो क्या करेंगे कि फॉर्मूला तो आप लोगों को चैप्टर वाइज जब कंसेप्ट देंगे तो फॉर्मूला तो लिखवाते जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है ना, जो आप लोगों को पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोगों को दे देंगे। इससे आप लोग क्या होंगे कि जब आप लोग खाली समय पर बैठे हैं चाहे कुछ ऐसे ही बैठे हैं तो आप लोग वहां मोबाइल में क्या करेंगे पीडीएफ निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला इसका ई होता है, इसका ई होता है, तो उसे क्या होगा कि ध्यान पे फॉर्मूला आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, ध्यान पे जल्दी चढ़ जाएगा। ये सारा चीज़ हो गया। अब समझिए कि देखिए पढ़ाने का एक अलग तरीका होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारे देखते हैं ना कि मतलब कि जब आपका पढ़ाने वाला ही, मतलब हम ही मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और हम ही आप लोग पढ़ाएंगे बाबू ऐसे पढ़ाएंगे कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश इस राशि होता है, इसे पढ़ाएंगे तो आपको मन लगबे नहीं करेगा, और जब वही बंदा आएगा और आप लोग सामने एकदम पूरा समझिए कि एनर्जेटिक से रहेगा और पढ़ाएगा कि हाँ अब आपका आवेश का टॉपिक स्टार्ट हुआ है और यहाँ से हम लोग आवेश पढ़ेंगे, तो आप लोग के अंदर से भी थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा कि नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनर्जेटिक से पढ़िएगा तो पढ़ने में मन लगता है। तो आप लोग इस सारे चीज़ को देख लीजिए, ठीक है ना, ये सारे चीज़ आप लोगों का बहुत ही जल्द 15 तारीख, ठीक है ना, आज 14 तारीख है तो 15 तारीख से आपका पूरा सिलेबस कहेंगे कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यह देखिए कि 15 तारीख तीसरा महीना 2023 मतलब कल से आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, ख़त्म कहिया होगा 15 तारीख दसवा महीना 2023 मतलब कि नवरात्रि के दिन है, ठीक है ना, अक्टूबर में 15 तारीख को नवरात्रि है और उसी दिन आपका पूरा फिजिक्स ख़त्म कर देंगे और आपका डेली जो क्लास होगा वह क्लास आपका रिकॉर्डेड होगा, याद रखिएगा जो कंसेप्ट क्लास होगा वह आप लोगों का रिकॉर्डेड होगा। बहुत सारे यहाँ से मेरे भाई बहन का सवाल है ना कि सर जो आप वीडियो दे रहे हैं वह लाइव होगा कि रिकॉर्डेड होगा, देखिए लाइव रिकॉर्डेड में कोई अंतर नहीं है, हम पढ़ाएंगे तो आपका डाउट बचबे नहीं करेगा, ठीक है ना, कि आप पूछिएगा चाहे आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना, आप सोचिएगा कि सर हमको इतना लेवल तक पढ़िए, नहीं हम आपको इतना लेवल तक पढ़ा के दे देंगे कि आप कहेगा कि हाँ सर एकदम कंटेंट में दम है। तो आप लोग यह मत सोचिए कि क्लास रिकॉर्डेड होगा कि लाइव होगा, ठीक है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो भी क्लास मिलेगा उस क्लास में जान होगा, ठीक है ना, और वह क्वेश्चन का जान निकाल देगा, तो बस आप लोग मेहनत करिए, ठीक है ना, और डाउट के फेरा मत रहिए, आप लोग पास मेरा नंबर रहेगा, आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। और इसके लिए देखिए जो सारा चीज़ रखे हैं इसके लिए हम यही सोचे हैं कि हर एक गरीब से गरीब स्टूडेंट, ठीक है ना, देखिए पढ़ ले, ठीक है ना, यह ना सोचे ना कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, चाहे हम लोग साइंस लेके पाप कर दिए हैं, हम लोगों को नहीं लेना चाहिए था, बहुत पैसा लगता है, ये आपके मानसिकता है। और इस बात को याद रखिएगा कि हथियार कितना भी खतरनाक हो चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए, ठीक है ना, आप
आपके भाई बहन जो दोस्त होंगे ना, भले वो कहीं दूर कोचिंग में कितना महंगा महंगा कोचिंग में फीस लगा के पढ़ रहे होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हथियार बोलिए दिए कि हथियार कितनों खतरनाक हो, ठीक है ना, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो बस आप लोग इस सारे चीज़ को तैयार करने के लिए रेडी हो जाइए। और इसके लिए सबसे बहुत ही देखिए, ये सारे चीज़ हम आप लोगों को फ्री में ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग फ्री में पढ़िएगा नहीं, ठीक है ना। आज पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, घूमने चले जाइएगा। तो आप लोग ढंग से जो होता है ना, एक प्रॉपर तरीका से, ठीक है ना, एक शेड्यूल से आप लोग नहीं पढ़िएगा, छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तो फिर आप लोगों का अंत में वही हाल होगा, ठीक है ना, जो सभी लोग का होता है। तो इसीलिए आप लोगों से कुछ ले रहे हैं, ठीक है ना, कितना ले रहे हैं, देखिए 300 रुपया आप लोगों का पूरा ले रहे हैं, ठीक है ना, कंसेप्ट का, जो आप लोगों का मान लीजिए कि PDF फॉर्मूला का बनेगा, जो टेस्ट होगा, ठीक है ना, टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए आप लोगों को 50 रुपया ऐड कर रहे हैं टेस्ट का और PDF का, ठीक है ना, जो बनाने में मान लीजिए कि ज़्यादा टाइम लगेगा, टेस्ट होगा तो उसके लिए 50 रुपया ऐड कर रहे हैं। तो बस आप लोग कितना देना है, 350 रुपया बस फिजिक्स के लिए देना है। उसके बाद आप लोगों का पूरा फिजिक्स से एक नंबर या ले ले, दो नंबर या ले ले, पाँच नंबर या ले ले, सारा मुरल पेपर ले ले, क्वेश्चन बैंक ले ले, सारा चीज़ का आप लोगों को इसी में सलूशन मिल जाएगा। अब देखिए यह देना कहाँ है पैसा, तो ये देखिए मेरा नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग फोन पे, गूगल पे चाहे पेटीएम कोई भी चीज़ से करके आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है ना। इतना पैसा डाल के जो आप लोग का पेमेंट, जो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे, आप लोग फिर वहाँ से हम सारा काम और ग्रुप में जोड़ेंगे और वहाँ से सारा काम अब हम देख लेंगे। तो आपको इतना सारा चीज़ करना है, लेकिन हाँ इस में देखिए इतना पैसा देने से पहले, ठीक है ना, यह आपके मेहनत का पैसा है, ठीक है ना, और इतना पैसा देने से पहले कसम खा लीजिएगा कि हाँ सर जितना मेहनत कराएंगे उतना करना है। और आपको अक्टूबर में कोर्स ख़त्म करके 15 तारीख को दे देंगे, और भी एकदम प्रॉपर तरीका से। बस आप लोगों को 3 महीना रिविज़न के लिए रहेगा, बस आप लोग को रिविज़न करना है, और रिविज़न हम ही कराएंगे, ठीक है ना, ये नहीं कि हम इतना तारीख को छोड़ कर चले जाएँगे आप लोगों को, नहीं, आप लोग पूरा प्रॉपर तरीका से आप लोग को रिविज़न हम करवाएँगे, एग्जाम तक आप लोगों के साथ रहेंगे। बस मेहनत, बस एक ही बात बोलते हैं कि मेहनत आप ही लोग को करना है और हमें करना है, तो जितना हम करते हैं उतना आप लोग करिएगा। और गारंटी कि आप लोग का फिजिक्स में देखिए 70 है ना, 70 नंबर का फिजिक्स होता है, क्योंकि 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, तो 70 में आप लोग का 65+ आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, 70 में क्या आएगा, 65+ आराम से आ जाएगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोग का फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वह सारे आपके ये जो होठ है ना, ये होठ की जुबान पे आ जाएगा आप लोगों का। तो बस पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। और ज़्यादा देखिए मात्र एक दिन का 1 रुपया ले रहे हैं आप लोग, एक दिन में इसे ज़्यादा खर्च कर देते होते हैं, 5 रुपया 10 रुपया आप लोग ख़त्म कर देते हो महीना में। हमको लगता है कि आप लोग 300-400 वैसे ही आप लोग ख़त्म कर देते होंगे पार्टी बनाने में, चाहे इन्हें उन्हें नाश्ता करने में। और इतना बताइए आप लोग, पूरा फिजिक्स हम 12th का पढ़ा दे रहे हैं, जो कि कहीं पर यूट्यूब पर देख लीजिएगा कि इतना में कहीं यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगा ना, तो इतना आप लोगों को सारा चीज़ नहीं देगा, खाली कॉन्सेप्ट दे देगा, बस छोड़ देगा। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम आपको वो चीज़ देंगे जो आपको चाहिए रियलिटी में, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग तरसते हैं, इसके जिसके लिए आप लोग पूरा YouTube छान मारते हैं, कोई करा दे कोई करा दे, तो ये सारे चीज़ आप लोगों को करा के देंगे, सारा PDF भी आप लोगों को देंगे, ताकि आप लोग को रिविज़न करने में बस आराम हो, आसानी से आप लोग बस स्टडी कर ले। बस मेहनत याद रखिएगा, खामोशी से करना है और रिजल्ट कोहराम मचाना चाहिए, बस माता पिता के स्वर को ऊंचा करना है और मेहनत करना है, ठीक है ना, मेहनत से नहीं भागना है। और 15 तारीख से पहले जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 तारीख से पहले जुड़िएगा तो एक प्रॉपर तरीक़ा से आपका पूरा चलते रहेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय हिंद।